क्वेश्चन 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? ओके, तो इसमें भी सेम वैसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें जो कहा गया था वैसे ही करना है, बस बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा चेंज है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं 4 के जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं 4 के मल्टीपल्स हों और वो नंबर 10 और 250 के बीच में। तो वैसे ही करेंगे, 10 और 250 के बीच में हमें ऐसे नंबर्स चूज करने हैं जो 4 के मल्टीपल्स हों। ओके, तो 4 के मल्टीपल्स यानी कि रोशन प्लीज बेटा क्लास में ध्यान दो, 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 10 के बाद 11, 11 भी 4 के टेबल में नहीं आता, 12 4 के टेबल में आता है। तो मैं पहला नंबर हमें मिल गया 12, सेकेंड नंबर कैसे मिलेगा, वही ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी, 4 ऐड कर दो 16, फिर इसमें 4 ऐड कर दो 20 एंड सो ऑन। क्लियर? अब हमें लास्ट नंबर दे रखा 250, क्या 250 4 से डिविजिबल है? अगर 250 4 से डिविजिबल है इसका मतलब 250 4 का मल्टीपल हुआ। ओके, 250, अब हम लास्ट से आएंगे, 250 क्या 4 से डिविजिबल है? नहीं। अब उसकी पहचान पता क्या है, आप लोगों ने अपनी जूनियर क्लास में क्लास 6 में पढ़ा होगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 नंबर्स जो है अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होता है। जैसे कि ये लास्ट के क्या है 50 है, 50 4 से डिवाइड नहीं होता बच्चों। ओके, तो यानी कि 250 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। कितना छोटा सा ट्रिक है ना, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो आपने 6th क्लास में पढ़ा था वो यहाँ पे यूज हो रहा है। देखो, अब 250 से पहले कौन सा नंबर आता है, 249। इसमें भी देखो लास्ट के 2 डिजिट नंबर, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 49 नहीं होगा ना, गुड। तो इसका मतलब 249 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। बेटा मैं यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का यूज कर रही हूँ जो आप लोगों ने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था। फिर आ जाओ, इससे पहले कौन सा नंबर है, 248। तो 248 में लास्ट में क्या है, 48, क्या 48 4 से डिवाइड हो जाएगा? रोशन यस मैम, अच्छा, और तनिषा, शालू, वेरी गुड। तो अब हाँ, नहीं नहीं 12 से नहीं, हमें 4 से पता करना है क्योंकि क्वेश्चन में 4 पूछा है ना, 4 की टेबल में आना चाहिए। तो 48 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, या ये कह लो कि ये जो है 4 का मल्टीपल है। तो हमें लास्ट का नंबर मिल गया 248। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 13 सॉल्व किया था। अब देखो, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म। तो भाई 248 कौन सा टर्म है हमें नहीं पता, तो हम इसे क्या लिख देंगे, ए एन, यानी कि nth टर्म। आपको अब nth टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म पता है, आप डी फाइंड आउट कर लो। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, ए टू माइनस ए वन। डी इक्वल्स टू ए टू क्या है 16 माइनस ए वन, ए वन क्या है 12, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया 4 आ गया। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म हमें पता चल गया, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इनके बीच में, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हों। क्लियर? तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी एपी का फॉर्मूला अप्लाई होगा और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म यानी कि ए एन, ए एन कितना है 248, यहाँ पे लिख दो 248 इक्वल्स टू ए। फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों,
12 लिख दो प्लस n, n आपको पता है? नहीं, इसको एज इट इज लिख दो माइनस वन। डी, डी कितना आया? 4, यहाँ पे डी लिख दो 4। क्लियर? यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है कि मैंने वैल्यूज कैसे पुट करी? ओके, नाउ 248 इक्वल्स टू 12। अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं, तो हम क्या लेंगे? मल्टीप्लाई, या ये समझ लो कि इनके इनके बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। तो अब हम n को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को n से करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4n माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो 248 इक्वल्स टू 12 है, ये है माइनस 4, इनको हम आपस में क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। माइनस करोगे तो 8 आ गया प्लस 4n। इस 8 को हम लेफ्ट साइड लाएंगे। जब हम इसको लेफ्ट साइड लाएंगे ना बेटा, तो इनका साइन ना बच्चों चेंज हो जाएगा। तो 8 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 4n। अब इनको कर दो सब्ट्रैक्ट, है ना? जब सब्ट्रैक्ट करोगे यानी कि माइनस करोगे तो कितना आएगा? 240 इक्वल्स टू 4n। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ओके ओके बच्चों, ओके। अब क्या करेंगे बच्चों? देखो 4n यानी कि 4 और n के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं n को यहाँ पे रख दूंगी और 4 जब इस साइड आएगा तो वो 240 के डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में आने का मतलब है कि 240 को वो डिवाइड करेगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, वेरी गुड, 60 आ गया। तो इसका मतलब इस एपी में 60 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 60 हैं, और 248 60th टर्म है। क्लियर? और ये वो सब नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। आगे बात समझ में आपको? चलो क्लियर। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी 10 मिनट्स बचे हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और कमेंट करना ना भूलें।